Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif from Brain Foundation, Kalim Bandala. Our lecture number 11 में भी हम exercise 1.4 start करते हैं. Exercise 1.4 का lesson number 1 का part number 3 मैंने लिखा है. Part number 3 exercise 1.4 basically हमारे पास radical equation के अंदर है. अब radical equation हमारे पास एक ऐसी equation होती है जिसमें हमारा जो variable है वो अंदर था radical sign आ रहा है. यानी कि radical कहते हैं ये अंदर हूँ. तो हमारे ये ऐसी इक्वेशन जिसको हमारा जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है. फॉर एग्जांपल ये अंडर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास क्या है एक रेडिकल इक्वेशन. तो क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है. कहते हैं इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करें और एक्सट्रेनियस रूट्स को सेपरेट करें. अब एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं. एक्सट्रेनियस रूट्स हमारे पास ऐसा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है जो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड को not equal कर रहा है राइट हैंड साइड को यानी कि सेटिस्फाई ना कर रहा. फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूं कि इसके जो एक्सट्रेनियस रूट इस इक्वेशन के अंदर है या नहीं है. एक्सट्रेनियस रूट बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन सेट होगा जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हुए भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो उसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखते. उसको हम एक्सक्लूड कर देते. तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 इनटू 9 माइनस x इज इक्वल टू x. तो टाइप 1 के आपसे ही क्वेश्चन है. तो आप सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि अंडर रूट वाली टर्म्स एक साइड कर दें और बाकी जो काफी सारे टर्म्स या वेरिएबल टर्म्स आ रही है उनको हम एक साइड कर दें. तो अंडर रूट 3 इंटू 9 माइनस x इसी साइड रहने देते हैं. ये 3 तो प्लस हो रहा है तो उसी साइड जाके ये माइनस. अब अंडर रूट के अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 9 बार 27 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस. अब रेडिकल साइन खत्म करना है इस इक्वेशन का. हमें सॉल्यूशन चाहिए तो इसमें भी वैसे ही है. सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद वही तीन स्टेप करेंगे. तो रेडिकल साइन खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि अप्लाई टेकिंग स्क्वायर आउट ऑफ साइड्स बोथ साइड्स. तो दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं होल का स्क्वायर और इधर भी x माइनस 3 होल का स्क्वायर. स्क्वायर अलग के साथ कट गया तो 27 माइनस 3x अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस b होल का स्क्वायर. तो a माइनस b होल का स्क्वायर हमारे पास होता है b का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2a और b. 27 माइनस 3x उसी तरह a का स्क्वायर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x. तो अब रियरेंज कर लेते हैं 27 माइनस 3x को उठा के दूसरी साइड ले लेते और इस टर्म्स को हम पहले देख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. अब ये प्लस 27 का दिस साइड आएगा तो माइनस 27 और ये माइनस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x और ये हमारे पास 27 प्लस 5 माइनस 27 प्लस 5 तो 27 में से 9 निकाला तो ये हमारे पास 27 माइनस 9 89 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास भी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x और प्लस 9 माइनस 27 27 माइनस 9 निकाला तो ये हमारे पास माइनस 18 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर देते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 18 इज इक्वल जीरो. अब फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से. तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया 18 और दरमियान में आ रहा है माइनस 3. अब दो नंबर ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए प्लस से माइनस करें तो 3 आए. तो 3 के पेपर से करते हैं 3 क्रॉस 6. 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 और 6 में से 3 निकाला तो हमारे पास माइनस 3. तो हमारे पास दो नंबर बने हैं 6 प्लस 3 क्योंकि 6 माइनस 3 6 में से हमें माइनस 3. तो ये हमारे पास बन गया जी x स्क्वायर माइनस 6x या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. कॉमन कर लेते हैं x इनटू x माइनस 6 प्लस 3 इनटू x minus 6 is equal to 0. तो x minus 6 को दोबारा कॉमन कर लें x plus 3 is equal to 0. 0 factor property उसके अंदर x minus 6 is equal to 0
R x plus 3 is equal to 0. X is equal to 6. R x is equal to minus 3. ये हमारे पास दो solution आ गए. अब हमने इसके अंदर दूसरा part था. एक तो था कि इसको solve करें, दूसरा था कि extraneous roots को separate करें. तो हमारे पास ये दो solution आ गए. तो extraneous roots check करने के लिए अगर ये दोनों equation, जो solution है आप इस equation 1 के अंदर put करेंगे. अगर दोनों साइड इक्वल आ गए उसका मतलब है दोनों सॉल्यूशन सेट है, एक्सट्रेनियस रूट वही है. और अगर दोनों साइड इक्वल ना आए तो उसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, वो एक्सट्रेनियस रूट का वर्स को हम निकाल देंगे. तो फॉर चेकिंग व्हाट कहते हैं x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर. तो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 उसके तरह 9 माइनस x की जगह 6 7 is equal to 6 क्योंकि साइड पे x है. अब 3 plus 3 उसी तरह 9 plus 6 minus 3 और ये हमारे पास 3 है, is equal to 6. 3 plus 3 3 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 9 is equal to 6. तो अंडर रूट 9 हमारे पास 3 के इक्वल होता है. 3 plus 3 is equal to 6. तो 3 plus 3 6 के इक्वल होता है, 6 is equal to 6. अब दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब ये रूट है. तो ये करेक्ट. इसी तरह हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1. ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 इनटू 9 माइनस इस x की जगह पर माइनस 3 पुट करते हैं इज इक्वल टू माइनस. तो इस साइड पे हमारे पास x आ रहा है. तो बिल्कुल इसी तरह सिंपलीफाई करते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3. 3 प्लस और 9 प्लस 3 12 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया अगर इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 3 प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस 3. अब 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 6. तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3. 6 प्लस 3 9 होता है. तो ये हमारे पास ना इक्वल टू माइनस 3. इसका मतलब है ये हमारा जो माइनस 3 है ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि इसको हम सोशल सेट के अंदर नहीं लिखते. तो हमारा जो सोशल सेट है वो आ गया जी हमारे पास 6. बाकी जो माइनस 3 है उसको हम एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप एक्सट्रेनियस रूट्स को इस इक्वेशन में से सेपरेट कर दें, एक्सक्लूड कर दें. तो ये था कि हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन. तो आज के लेक्चर का अंत तक आप हमसे करते हैं. अल्लाह हाफिज़.